ये जमाती जब से है अभी तो वहाँ पे करीब 60 लोग होंगे पॉजिटिव और 10 लोग नेगेटिव हैं, करीब 70 लोग हैं जिनमें की ज़्यादातर है जमाती हैं, कुछ थोड़े बहुत छोड़ के। तो ये लोग शुरू से ही बहुत परेशान ये कर रहे हैं कुछ दिनों से ही, क्योंकि ये जब से यंग लोग भर्ती हुए हैं, इन लोग ये रिलेटिवली यंग एज के हैं, इनको खाना जबकि हम लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं, बिल्कुल टाइम से दे रहे हैं, पूरी लगी हुई थाली, दाल चावल रोटी सब्जी उसमें सलाद सब कुछ होता है, और ये दोनों टाइम और पूरा खाना, और 2 टाइम इनको हम दे रहे हैं बन मक्खन, और करीब 5 लीटर मिनरल वाटर दे रहे हैं रोज, जिससे इनको कोई कमी ना रहे। 2-2 बॉटल करके इनको बार बार जा रहा है, हर 8-8 घंटे पे इनको पानी जाता है। और इसके अलावा हम फल भी दे रहे हैं, 2 केला और 1 सेब या संतरा कुछ वो भी दे रहे हैं, कहीं से कोई कमी नहीं है। फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं, और हद तो तब हो गई है जब इन्होंने कल वार्ड बॉय ने जब थाली को लात मारी तो वार्ड बॉय ने कहा ये क्यों कर रहा है, और रोकने की कोशिश की कि इतना महंगा खाना आता है, और अन्न है, हम लोग आपको मालूम है अन्न पे लात नहीं मारते और इस तरह बर्बाद नहीं करते। कितने लोग को अभी लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है और ये इस तरह फेंक रहे हैं, और इनको और अच्छा चाहिए, बिरयानी चाहिए, इनको नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना जो हम लोग कह चुके हैं हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, तब भी है इतना। और बेचारा तो वार्ड बॉय वो भागा है सीढ़ियों से अपनी जान बचा के, क्योंकि पता नहीं है क्या कर दें, फिर भी उसको 2-4 हाथ पड़ गया, तो ये बहुत दुख की बात है। और मैं एज अ प्रिंसिपल एंड डीन मैं बहुत मेरे मुझे हमदर्दी है इन लोगों से, बहुत सहानुभूति, क्योंकि एक तरफ तो ये करोना पॉजिटिव मरीज को फेस करना मौत को फेस करने के बराबर, और ऊपर से इस तरह का बर्ताव, इतनी भीड़ में इतने लोग हैं, वो इकट्ठे ही हो जाते हैं चाहे कुछ भी करो, तो बहुत दुख की बात है तो ऐसा इस तरह हुआ से है। लगातार हॉस्पिटल के स्टाफ से बदतमीजी हो रही है, पहले भी तो किस दबाव में जो कोई एक्शन नहीं ले रहा है।